एक शब्द भी पूर्वी के खिलाफ मत कहना भैया, और वो अनाथ नहीं, वो मेरी बेटी है। मेरे लिए वो दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है। पूर्वी, तू ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। पूर्वी, तो मेरी आंखों से एक मिनट के लिए जाती है ना तो मेरी जान निकल जाती है। तू मेरी जान है पूर्वी। पूर्वी, मुझे आई मत बोला पूर्वी, मुझे आई मत बोला। तू मेरी मम्मी नहीं हो सकती। मैं तेरे से कभी नहीं कर सकती। तू अर्जुन, मेरी बात बोला लगा मुझे। यहां से चली जाओ, मैं मर गई, मैं मर गई। आज तो आईने में मुझे सारे रिश्ते तोड़ दिए, फिर से अकेली हो गई। आज तो सही आईने में अनाथ हो गई। पूर्वी क्या कर रही हो तुम? पूर्वी संभालो अपने आप को। पूर्वी, पूर्वी क्या हुआ? पूर्वी स्टॉप क्राइंग। पूर्वी कुछ नहीं होगा रोने से इसे। ओह माय गॉड, पूर्वी प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। पूर्वी, पूर्वी प्लीज, पूर्वी प्लीज, पूर्वी प्लीज, मैं पूर्वी रोना बंद करो जस्ट। What a scene! What a scene! Amazing! अरे आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, right? यही कहना चाहती हो ना तुम? जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं। पूर्वी तुम चाहती क्या हो? हाँ? तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने एक्स लवर की बाहों में देखूं और मैं एक समझदार पति की तरह, एक अंडरस्टैंडिंग पति की तरह तुम्हारा विश्वास कर लूं। तुम सही कह रही हो। तुम दोनों की आंखों में जो प्यार देखता हूं ना मैं, कुछ भी नहीं है। तुम दोनों जो एक दूसरे से अपना प्यार शेयर करते हो वो कुछ भी नहीं है। एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हो, सुख दुख बांटते हो, वो भी कुछ भी नहीं है, है ना? If I'm not mistaken, Purvi, तुम आई थी मेरे पास। तुम्हें इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना, मैं एक और चांस देना चाहती हूं। ये तरीका है तुम्हारा चांस देने का? अपने एक्स लवर की बाहों में रोकर? On your listen to me, please. Mr. Arjun Kirloskar, you shut up! You don't have any right to talk in between. ये मेरी पत्नी है, इतना समझ में नहीं आता तुम्हें? Honor, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। But just try and understand. You listen to me. She's my legally wedded wife. और तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम मेरी पत्नी से दूर रहोगे तो, और फिर भी तुम्हारे लिए भी। और हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम है ना, हम घर जाके सॉल्व कर लेंगे। तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? चलो। तुझे पता है जब तू और तेजू छोटे थे ना, तेजू सो जाया करती थी लेकिन तू सोती नहीं थी। मैं तुझे ले लेकर घुमा करती, तब जाकर कहीं तू सोया करती थी।
भी हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनके उनके जब बच्चे हो वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे संस्कारों में बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और फिर जब उनकी शादी हो तो उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिले जो जो हर सुख दुख में उसका साथ दे। मैंने और माना ने भी हमारे बच्चों के लिए शायद आज यही सपने देखे, कुछ पूरे ही नहीं हो पा। और वो भी हमने तेरे लिए भी यही सपना देखा, शायद मुझे कहीं ना कहीं पता था कि तेरे लिए नहीं ऐसा ही, सिर्फ तेरी जिद की वजह से तेरी जिद ने अर्जुन को तेरा पति बनाया। मुझे पता है तुझे तकलीफ हो रही, जो तेरे साथ हुआ कहीं ना कहीं गलत हुआ, कि रूबी इसकी जिम्मेदारी खुद है। देखो मैं तुझसे ये नहीं कहूंगी कि तू अर्जुन को माफ करके उसके साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़, नहीं, मैं चाहती हूं कि तू अपना फैसला खुद ले। तूने अर्जुन से शादी अपने मर्जी से की, बाकी तुझे क्या करना ये भी तेरी मर्जी होगी, तेरा चाहे जो फैसला हो, तेरी आई हमेशा तेरे साथ रहे, हमेशा। हाय, मैं अपने शहर में और नहीं रह सकती, मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे अर्जुन अर्जुन की हर बात याद आती है, उसने मुझे कैसे झूठ बोला, मुझे धोखे दिए, नहीं भूल पाती हूँ वो सब, उसके साथ बिताया हर वो पल बहुत तकलीफ देता है मुझे, नहीं बर्दाश्त हो रहा ये सब। भाई अगर तेरी वजह से मुझे इंडिया नहीं आना पड़ता ना, मैं कभी इंडिया वापस नहीं आती। भाई मुझे कनाडा जाना है, वापस नहीं रह सकती यार, नहीं आई, प्लीज तू मुझे समझ सकती है ना, तो प्लीज मुझे जाने दे, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, और आए मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। तू जाना चाहती है ना, जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तू अकेली नहीं होगी, तेरी आई है, तेरे बाबा हैं, तेरा पूरा परिवार है जो तुझसे बहुत प्यार करता है, हमें तेरा इंतजार रहेगा वो भी, तू जब वापस आना चाहे ना मेरी बच्ची, तू घर आ सकती है, हम हमेशा तेरे साथ, हमेशा। शालिनी जी का
शादी के कारण बारी मैंने उन्हीं के पास छोड़ के गई थी। अरे तो इतना पैनिक क्यों हो रही हो? हो सकता है किसी काम के लिए गई होगी वो। अरे बाहर बारिश हो रही है, वहाँ वो परी को लेके कहाँ जाएगी? मैंने प्लीज उसको फोन करके पूछे वो कहाँ है। फिर उसको गलती मेरी है, मुझे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने सिर्फ शालिनी को घर छोड़कर जाने के लिए कहा था, कहीं वो परी को भी अपने साथ तो नहीं ले गई? ये औरत भी ना। फोन लगा। स्विच ऑफ आ रहा है। अरे मेरी बच्ची, बच्ची मेरी है, मुझे सक्सेस का भी विश्वास नहीं करना चाहिए तुम। वो शालिनी जी परी को लेके हमारे घर आएगी। उन्होंने कहा कि वो यहाँ से जा रही है और जब तक आप दोनों वापस ना आए मैं परी का ख्याल रखूंगी। लेकिन वो कहाँ गई? उन्होंने आपसे कुछ कहा वो कहाँ जा रही है? ऐसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका सामान उनके साथ था। ठीक है, मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे कहीं जा सकती है वो? आपको कोई आइडिया है वो कहाँ गई होंगी? मुझे क्या पता मिश्री, तुम खुद लेकर आई थी उसको यहाँ पर। हाँ वो कह रही थी ना कि उसे कुछ घर मिल गया है, हो सकता है वहां चली गई होगी। हाँ लेकिन इस तरह अचानक से कुछ कुछ अजीब नहीं लग रहा? मिश्री तुम जाकर पहले अपने कपड़े बदलो, बकवास बातें कर रही हो। देखो तुम पूरी गीली हो, परी भी गीली हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। जाओ। क्या कर रही हो तुम? रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपने कपड़े बदलो, जाओ। अरे वो हॉस्पिटल के बाहर जो कुछ भी हुआ। प्लीज मिस्टी, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही तुमसे कोई सफाई सुननी। जस्ट लेट इट बी। कृष्णा बस, इतना रोना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्लीज बाना, आज मुझे बहुत रोना है। बाना मेरी मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। पूर्वी ने जो कुछ भी किया अपने आप पे शर्म आ रही। मैंने उसे अपने हाथों से बड़ा किया, उसे उसे अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी। फिर उसने जो किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, मेरी परवरिश की, मेरे संस्कारों की, जो सब कुछ। बस सर जी, बस। आज हर तुम्हारी या तुम्हारे संस्कारों की नहीं हुई है और ना ही आज तुम्हारी परवरिश हारी है। हारी है तो पूर्वी, वो तुम्हारे संस्कारों पर नहीं चल पाई। गलती उसकी है, तुम्हारी नहीं। मानव मैं एक बार आपकी बात मान भी लूं, लेकिन लेकिन आपको पता है से बड़ी हार मेरी हुई। अपनी दोनों बेटियों को खो चुकी हूं। एक तरफ पूर्वी है, एक तरफ ओवी। नहीं समझ में आ रहा कहां जाऊं,
किसका संतू, कौन गलत है कौन सही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से, मुझे पेशेंट को चेक करने जाना है अंदर। नहीं देख सकती, हम तोरा को अंदर जाने ही नहीं देंगे। कल तोरा ने जॉन बकवास की है ना, तू काफी है। तोरा जैसे लापरवाह डॉक्टर हमरी आई से जितना दूर रहे उतना अच्छा। हमरी आई अभय अभय कोमा से बाहर आई, तू अंदर जाएगी फिर कौन बकवास करेगी। और जाने दो उसे, अर्चना मेरी पत्नी है, उसे किससे मिलना है और किससे नहीं ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस देशमुख। थैंक यू रॉ, यू आर एब्सोल्युटली फाइन नाउ, अब आप अपने घर जा सकती हैं। देशमुख, एक एक्सपेरिमेंट के सिलसिले में मैं अमेरिका जा रहा हूँ, डॉक्टर गौरी यहाँ पर हैं, वो आपके घर आएंगी और मिसेस देशमुख का चेकअप करती रहेंगी और मैं भी फोन पर उनके साथ फॉलोअप करता रहूंगा, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, माई प्लेजर। मिस देशमुख प्लीज टेक केयर। थैंक यू सर। अर्चना मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ और घर पर भी सबको फोन करके बता देता हूँ, सब लोग तुम्हारे घर वापस आने की खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। अर्चना जी, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप। गौरी इधर आओ, इधर बैठो। देखो गौरी, कल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं थी, एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। अगर कल जो हुआ वो नहीं होता तो मुझे ये सारी चीजें कभी पता नहीं चलती, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे परिवार वाले कभी नहीं चाहेंगे कि मुझे किसी भी तरह की तकलीफ हो। लेकिन मेरी वजह से आपको तकलीफ तो हुई ना, अगर मैं। गौरी मैंने तुमसे कहा ना इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और एक बात कहूँ, जो लोग दिल से अच्छे होते हैं ना वो कभी किसी और का दिल नहीं दुखा सकते, और तुम दिल से अच्छी हो ना तो तुम कैसे किसी का दिल दुखाओगी। और एक बात कहूं, पता नहीं क्यों तुमसे एक बहुत अटूट सा रिश्ता सा बन गया, ये कह सकती हूँ कि तुम्हारी बहुत आदत सी हो गई। तुम मुझसे घर मिलने आओगी ना? मिलने तो आना ही पड़ेगा ना, आपके चेकअप के लिए। अच्छा सिर्फ चेकअप के लिए आओगी, ऐसे तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती। अर्चना सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है, थैंक यू डॉक्टर गौरी, ये तुम्हारी लगातार मेहनत और पॉजिटिविटी का ही नतीजा है जो आज अर्चना हमारे बीच वापस आ गई। अगर जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी परेशानी तो हक से मुझे याद करना, अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी, और इसी तरह से मेहनत करती रहना और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। कहते हैं कि एक डॉक्टर को अपने पेशेंट से कभी भी अटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों से एक अलग सा रिश्ता जुड़ गया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अर्चना जी ठीक होके अपने घर जा रही हैं। विश यू ऑल द वेरी गुड। तुम पता अर्चना की लड़की मुझे किसकी याद दिलाती है? किसकी? 20 साल पहले की अर्चना की। बिल्कुल वही जज्बा, वही सब कुछ जो पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें देखा। हाँ मामा,
लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो आगे चलकर दूसरी अर्चना बने, कभी नहीं।